नमस्कार दोस्तों, बेहद ही बड़ी खबर के दौरान एक मैरिज हॉल में शादी प्रोग्राम के दौरान आग लगने का बड़ा ही मामला देखने को मिल रहा है। अब तक 110 जनों को मृत घोषित कर दिया है, जबकि इस घटना में 150 से भी ज्यादा घायल होने की सूचना है और इनमें दुल्हा दुल्हन भी शामिल है। बताया जा रहा है कि ऐसे में इसमें मरने वालों की संख्या बढ़ सकती है। एक अधिकारी ने बताया कि यह आग ईरान के निनवे प्रांत के हमदानिया इलाके में लगी है। अभी तक इस घटना के कारणों का पता नहीं चल पाया है। हालांकि कुछ मीडिया रिपोर्टरों ने बताया जा रहा है कि आतिशबाजी के बाद मैरिज हॉल में आग है और जब यह घटना घटित हुई यहां पर करीब 1000 से भी ज्यादा लोग मौजूद थे। इस घटना की सूचना मिलने के बाद फायर ब्रिगेड और एम्बुलेंस की टीम मौके पर पहुंची है और लगातार यहां से सभी को रेस्क्यू कर बाहर निकाला जा रहा है। मैरिज हॉल पूरी तरह से खंडर बन चुका है और रेस्क्यू टीम यहां पर शवों को निकालने में लगी हुई है और ईरान के प्रधानमंत्री मोहम्मद सियाह अल सुदियानी ने अधिकारियों से लोगों को जल्द से जल्द मदद मुहैया कराने के निर्देश दिए हैं और साथ ही पूरे मामले की जांच के आदेश भी दिए हैं। बताया जा रहा है कि इस दौरान पूरे इलाके में हड़कंप हुआ है और यहां पर अब तक करीब 110 से भी ज्यादा को मृत घोषित किया है और 150 जनों होने की घायल होने की सूचना है। ऐसे में यहां पर मरने वालों की संख्या बढ़ सकती है। तो दोस्तों, बड़ी खबर थी। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करते हुए कमेंट को अपनी राय जरूर दें।